प्रदेश में राज्य सरकार के निर्देशन पर रसद विभाग ने बायोडीजल पंपस पर कार्रवाई करते हुए 16 अवैध बायोडीजल पंपों को सीज किया। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के शासन सचिव नवीन जैन ने बताया कि चित्तौड़गढ़ में अवैध बायोडीजल की बिक्री करने वाले आउटलेट्स के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने कहा कि टीम को कार्रवाई के दौरान मौके पर बायोडीजल संग्रहण, विक्रय और पंजीयन संबंधी दस्तावेज नहीं मिलने पर कार्रवाई की गई। साथ ही उन्होंने बताया कि इसी क्रम में प्रदेश के अलग अलग 16 जगहों पर कार्रवाई की गई है।